और बैठे पवन सिंह के सामने हारमोनियम पकड़वाएंगे। गायकी के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा कोई भोजपुरी गायक नहीं है जो उसका हाथ पकड़ ले। दोस्तों, भोजपुरी जगत के सबसे बड़े राइटर, सबसे बड़े गीतकार, जिनकी कलम में एक अलग ही धार होती है, उनके लिखे गीतों की बात ही कुछ अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़े गीतकार विनय बिहारी की। आपको बता दें कि इन्होंने पावर स्टार पवन सिंह को लेकर ऐसा शब्द बोल दिया है एक इंटरव्यू के दौरान, जिसे जानने के बाद जितने भी पवन सिंह के फ़ैन हैं उनका दिल गदगद हो जाएगा, और इनके जितने भी विरोधी हैं जो इनसे जलते हैं उनके मुंह पर कहीं ना कहीं एक तमाचा भी है। दिखाएंगे आगे वीडियो में। उससे पहले, आप पवन सिंह के सच्चे फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि पवन सिंह से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहे। आइए आपको बताते हैं कि विनय बिहारी ने क्या कहा है पवन सिंह को लेकर। दोस्तों, विनय बिहारी से एक इंटरव्यू लिया गया। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ तौर पर यह बोला कि पवन सिंह का हाथ बिहार और यूपी में कोई भी सिंगर नहीं पकड़ सकता। मैं पवन सिंह को 8 साल से जानता हूँ। कोई भी ऐसा गायक नहीं है जो पवन सिंह के सुरीली आवाज़ को टक्कर दे सके। विनय बिहारी का यह भी कहना है कि अगर कोई ऐसा है तो हारमोनियम के साथ बैठे मेरे पास, मैं अपने पैसे से उसे मुंबई ले चलूँगा पवन सिंह के पास। दोस्तों, विनय बिहारी ने एक और बात बोला कि पवन सिंह पढ़े लिखे नहीं है, और यह सही भी है कि पवन सिंह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया उनकी आवाज़ की दीवानी है। दोस्तों, विनय बिहारी के इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।